और इसमें ना खड्डे इशू से ज्यादा फील होते हैं मतलब। पर आप देख रहे हो स्पेस का कितना इशू है। घर चाहिए यार भाई को, खुद का घर। 2 लाख रुपए मैंने सिर्फ अपनी ना गाड़ी के लिए सेव करे कि अब गाड़ी लेंगे कुछ ना कुछ तो इसमें करवाना पड़ेगा। अब वैसे आए तो 2 लाख में तो सिर्फ इसके टायर अलॉयज भी नहीं आएंगे। क्या है कि मैं ना कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे ना जिसकी थार में मुझे लग रहा है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली मैंने ना इसका रेडिएटर का गार्ड ये लिया था, सिर्फ रेडिएटर गार्ड लगाएंगे, पूरी अंडरबॉडी लगाएंगे। ग्रिल व्रिल सब खुला हुआ है, बंपर भी उतर गया, लाइटें वाइटें ये वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देख सकते हो आप वीडियो एडिट हो चुकी है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9:30 हो चुके हैं। आज हमने जम्मू जाना था वापस, सोचा एडिट करके निकलते हैं, फिर उसके बाद मैं रूम पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा अपने कामों पे ही निकलूंगा। थार से रिलेटेड कुछ काम है, थार पे वो कोटिंग का मसला था, डिले हो रहा है। चलो जो भी है उसका रीजन करवाना तो है, ये देखते ही है। चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर के क्या सीन्स है। ये है हमारी थार की चाबी, इसके लोगो पे ये आपको दिख रहा है, ये जब मैंने लिया ना ये तभी था, हालांकि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है क्यों, लोगो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था ना। मैं जाऊंगा तो विक्रम भैया को बोलूंगा जरूर ये कैसी चाबी दी आपने मेरे को। तो चलिए बाहर निकलते हैं। जुकाम मतलब जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे शाम होते होते ना मेरा बिल्कुल सारा सिस्टम जाम हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, चट दिल्ली ओ मर्सिडीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सुबह सुबह खाना बनाने लग गए हो, भाभी बहुत काम करती है। बनाया क्या है? गोभी? अरे नहीं, सुबह सुबह कोई आलू शालू परोठी बनाया करो। हाँ तो गाइस मेरे को आगे जुकाम है, तो भाभी कह रही है पर उनकी सही नहीं है सेहत के लिए। और ये है हमारे बाहर के कुछ सीन। ये वैसे तो सूर्य देवता शायद इस टाइम ऊपर आ चुके होते हैं, लेकिन धुंध है तो इसलिए अभी तक दिखे नहीं है। और मम्मी कहीं पक्का जानवरों का ही कुछ कर रही होंगी, भैया कहीं अंदर होंगे, तो पापा भी जस्ट उठे, छुप गए मम्मी, छुप गए। मम्मी गोबर फेंक रही है, मम्मी आप छुपने का क्या फायदा। तो ये देखिए गाय की तादाद बढ़ चुकी है, एक सबसे बड़ी है, देन उसके बाद ये छोटी है, एंड वो सबसे छोटी है। मेरे यहाँ तक एक और आ जाएगी। और ये रही जी हमारी थार, से 2 दिन से अब ली हुई है, इस पे डस्ट वस्ट है, गंदी तो ये है, लेकिन इस पे ना कपड़ा नहीं मारना है अभी। जैसे ये डस्ट पार्टिकल पड़े होते हैं, जब कपड़ा मारो तो इन्हीं से इस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जैसे हम लोग बोले ना कि गाड़ी सीधा शोरूम से निकल के ही हम उस पे वो कोटिंग करवा ले तो उस पे बिल्कुल स्क्रैच नहीं आएंगे, इस गाड़ी पे भी ना ऑलरेडी स्क्रैच पड़ चुके होंगे। बिकॉज ये गाड़ी ना जब यार्ड में लगी होती है तो यार्ड से जब लाएंगे हमें भी वॉश करके देंगे तो उसमें भी काम उतना हो ही जाता है। अभी इसको मैं कपड़ा शपड़ा कुछ नहीं मारने वाला हूँ, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं सुबह सुबह। हाय हाय क्या बात है, नई गाड़ी की फील मजेदार है, सच बात बताऊं आपको। हाँ, ये गाड़ी हमने शोरूम से ली, उस चीज का फील एक अलग ही था, बट जो हमें जिप्सी लेने पे जो हमें फील आया था वो अनमैचेबल है आज तक। तो ऊपर वाले का साथ रहेगा, आप लोगों का प्यार होगा तो सब कुछ आता रहेगा। इसके ये लिफाफे लुफाफे भी उतारने हैं मैंने सारे, ऐसे इनका कोई सेंस तो है नहीं है, लेकिन थोड़े दिन ना नई फील रहती है गाड़ी की, हाँ नई गाड़ी है। जैसे इसके ये लिफाफे लुफाफे उतार दे, पहले क्या होता था कि गाड़ी पे ना टेम्परेरी नंबर लगा होता था तो उससे थोड़ी सी फील रहती थी कि गाड़ी नई है। अब नंबर इस पे लगा हुआ आता है साथ में पीछे से, ठीक है, तो वो फील भी नहीं आती। तो बस यही लिफाफे ही हैं जो इसको फील देते हैं कि हाँ ये एक नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू। जैसे कोई बाहर से देखेगा ना तो ये वाले जो है ना ये वाले दिखते, इससे लगेगा कि हाँ ये नई गाड़ी है, अदरवाइज तो ये लगेगा ही नहीं कि शोरूम से निकाली है। गाड़ी तो मैंने ली है, लेकिन जब से ली है मैं ऐसे ना जॉय राइड नहीं कर पाया। जॉय राइड समझते हो, गाड़ी को ना पेलना। ऐसे ही अभी सुबह सुबह मैं आया, मैंने कहा एक छोटी सी ना, मतलब मजा आता है यार इसको भगाने में ना, क्योंकि छोटी है ना और ऑटोमेटिक है, मतलब फील है यार इसमें। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? और यहाँ रविंदर भाई ठीक हो? तो एक्चुअली जब मैंने ना अपनी पुराने वाली थार ली थी ना, थार CRD, अप्रैल की बात है, तब ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे घर। 10 महीने हो गए उस बात को, कभी इनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, कभी मेरी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, तो मैंने कहा भाई आज तो मिलना ही मिलना। और गाड़ी पसंद आई आपको जम्मू के लिए? बिकॉज ऑलरेडी हो चुके हैं काफी लेट। ओके जी, बाय 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 बाय। फाइनली हो चुके हैं रेडी, नई थार नए कपड़े, आज 2-3 कपड़े लिए हैं, तो अब रोज ये कपड़ों की भी कहानी करता हूँ। जिन्होंने जाना है वो साथ आ जाओ, जिन्होंने रहना है वो बाय बाय कर दो, ठीक है? ओके जी, बाय बाय, चले। अरे गाइस हम निकल रहे थे, पापा कह रहे मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो अभी क्या है कि सुंदरबनी तक जाना था पापा को, पापा को भी हमने छोड़ दिया, ठीक है जी, मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय, ठीक है। ये था थार का मसला, तो आप फटाफट पहुंचते हैं जम्मू, बिकॉज इस पे ना वो जो कोटिंग का मसला है वो करना है, और इसके लिए रेडिएटर की एक प्लेट आती है वो लेनी है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। प्लस इसमें जो है हमने जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल करवाना है। अब क्या क्या चीज कैसे कैसे होगी वो तो हमें सारा देखना पड़ेगा, तो फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। और आज ना मतलब जैसे मैं अकेला ही जा रहा हूँ, नहीं तो मैं अकेले ना बोर हो जाता हूँ, मुझे गाड़ी चलाने में ना आलस भी आता है कभी कभी, लेकिन आज वैसा नहीं है बिकॉज नई गाड़ी है। थोड़ा सा ऐसे खुले हाथ से गाड़ी को चलाएंगे, कैपेबिलिटीज इसकी देखेंगे, क्या फन होता है, क्या एडवेंचर होता है, फील लेंगे आज।
और इसमें ना खड्डे इसुजु से ज्यादा फील होते हैं, मतलब अगर इसकी जगह इसुजु होती ना उसको तो पता ही नहीं चलता है। बट ठीक है, इसके अपने प्लस भी हैं। तो गाइस इस सफर का तो हम मजा लिए ही जा रहे थे, तो एक चीज मेरे को ध्यान में आई, अभी जो हमने लास्ट ऑफ रोड करा ना जिसमें वो रेंगलर वगैरह सारी थी और वो बड़ा खतरनाक सा ऑब्स्टेकल, तो उसमें एक थार थी उसको गड़बड़ हो गई थी, उसका ना 4x4 नहीं चल रहा था और उन्होंने उसी दिन जो है 4x4 लगाया था। तो मेरे को भी ये ना, मैं फंसूं उससे पहले ही कहीं एक दिन 4x4 लगा के इसका टेस्ट करना पड़ेगा। जब भी घर जाता था मैं तो वो हमारे नदी के किनारे में वहां जाता था, वहां हम टेस्ट करते थे, लेकिन इस बार काफी ज्यादा जल्दी में रहा, काम कर नहीं पाए, तो इसका 4x4 भी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं आजकल में, पहले तो इस पे PPF का मसला है वो करवा ले, फिर तो चाहे इसको लेके कहीं निकल ही जाएंगे। ये तो संडे को ऑफ रोड तो होता ही है, 4x4 का तो चेक करना पड़ेगा ना गाइस, 4x4 के बिना बात कैसे बनेगी। घर से निकले थे तो मौसम ठीक ही था, लेकिन अभी क्या है कि बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। यहाँ नीरज भाई है तो मेरे को ना, नहीं तो मैसेज करेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, कहा है रुके नहीं आप। क्या हाल चले जी? बढ़िया, ठीक हो? और ये हमारे सरपंच साहब, ठीक हो? बढ़िया। और सुनाओ, नया गाना कब आ रहा है? नया गाना जल्दी आएगा, बस 5 से 6 दिन वेट करो, आ जाएगा। आ जाएगा, तो आपको लिंक भेजेंगे, आप शेयर कर दें। ठीक है ठीक है, ऐसे बता दो आप चैनल का, यूट्यूब का नाम? मेरा सरपंच ऑफिशियल से है, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो जी फिलहाल क्या है कि सुसु करने के लिए बाहर आया था मैं, और आप ना एक चीज देख सकते हो, जैसे इसके टायर ना अभी स्टॉक है, रास्ते में कीचड़ भी था, सब कुछ भी था, लेकिन कहीं पे बॉडी पे कोई भी एक्स्ट्रा कीचड़ आपको कुछ नहीं दिखता है। जब एम्प्टी टायर डलेंगे, इसमें टायर बाहर आ जाएंगे, फिर गाड़ी इतनी ज्यादा गंदी होगी। बारिश काफी तेज है, मैं गीला हो रहा हूँ, इससे पहले की ज्यादा गीले हो जाए तो अंदर ही बैठ जाते हैं। चलो जी, एक कपड़ा भी होना चाहिए गाड़ी में वैसे ना। मुझे महिंद्रा वालों ने एक पैकेज दिया था, उसमें शायद मुझे लगता है कपड़ा, पता नहीं, वो खोल के वो भी आपको दिखाऊंगा आज। यहाँ से ना मैं सामान ले गया था, कुछ चेयर वगैरह टेबल वगैरह, तो ना उस टाइम गाड़ी में स्पेस कम थी, तो मेरे को ना एक बीन बैग भी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ अगर बीन बैग होगा इनके पास तो वो भी ले लेंगे, तो चलिए पूछ के ही पता चलेगा। बीन बैग मुझे जैसे वाला चाहिए था ना वो तो मिला नहीं, मैंने सोचा एक स्टूल ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी ना प्रैक्टिकल सी चीज है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ले गया था वो काफी अच्छा था। और एक डस्टबिन भी चाहिए, एक तो मैं ले गया था, एक और चाहिए। डाइस और डस्टबिन पर आप देख रहे हो स्पेस का कितना इशू है, सीट नीचे करके डाइस रखना पड़ रहा है, अदरवाइज वो एडजस्ट ही नहीं होता, सीट के ऊपर भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ठीक है चलो रख लिया यहाँ से, बस गिरे ना आगे पीछे, बजे ना पीछे। इतनी बारिश हो रही थी यहाँ, देखो बिल्कुल खुश्क हो गया ड्राई एकदम। जो मेरा बैंक वाला पेंडिंग काम था वो भी आज सोच रहे हैं कर ही लेते हैं, स्कूटी वाले भाई रुकेंगे नहीं, वो ज्यादा जल्दी में है, देख रहे हो आप। आगे गाड़ी में बच्चे बैठ के खा रहे हैं 10 रुपए दे तुड़तड़े। बड़े सारे ख्याल, बड़ी सारी चीजें चलती रहती हैं, बस ये सामने फ्लैट्स देखता हूँ ना मैं, घर चाहिए यार भाई को, खुद का घर जम्मू में। अब अगर हम बात करें गाड़ी में मॉडिफिकेशन की, तो यार देखो मैंने ना 14 लाख रुपए का लोन लिया, चाहे तो मैं 12 लाख का भी ले सकता था, 2 लाख रुपए मैंने सिर्फ अपनी ना गाड़ी के लिए सेव करे, कि अब गाड़ी लेंगे कुछ ना कुछ तो इसमें करवाना पड़ेगा, बड़ी सारी चीजें होती हैं, 2 लाख रुपया हमारे पास सारा है, और हमें उसे ना बड़ा बचा बचा के, बड़े प्यार से, बड़ा सोच समझ के अब वैसे आए, तो 2 लाख में तो सिर्फ इसके टायर अलॉयज भी नहीं आएंगे, पर टायर्स भी एक प्रायोरिटी है, और छोटी मोटी बड़ी सारी चीजें हैं, अंडर बॉडी एक चीज आ जाती है, लाइट्स हैं, ग्रिल हैं, आर्मरेस्ट है, ठीक है, जो PPF अगर मेरे को करवानी है वो है। फिलहाल जा रहे हैं अभी अक्षय भैया के पास, क्योंकि उनसे थोड़ा बहुत एस्टीमेट हमें लेना है, कौन कौन सी चीज हम करवा सकते हैं, किस चीज की जरूरत है। देखो जरूरत तो एक चीज है ही है, बट गाड़ी दिखनी भी चाहिए। तो जी पहुंच तो चुके हैं, गाड़ी ज्यादा 5 मिनट लगी है, मैं निकल जाऊंगा। यस, अक्षय भैया तो अभी है नहीं है, इतनी देर मैंने कॉफी मंगा ली है, कॉफी पी लेते हैं। तो गाइस फिलहाल आप टाइम देख सकते हो, बाहर अंधेरा देख सकते हो, और ये हमारे अक्षय भैया। अक्षय भैया कांग्रेचुलेशन। नहीं थैंक यू सो मच। और बताओ आज आप कहाँ चले गए थे पहले ये बताओ? आज मैं गया हूँ नगरोटा। तो गाइस करते करते काफी ज्यादा लेट हो गया, तो अभी क्या है कि मेन आज ये भी डिस्कस करना था कि थार पे जो छोटी मोटी चीजें हमने करनी है, लेकिन जिप्सी भी देखनी थी। बिल्कुल, तो अभी हम क्या करेंगे फिर? अभी हम पहले जिप्सी देखते हैं। हाँ। उसके बाद थार पे डिसाइड करते। नहीं तो इतनी देर तो ये क्लोज हो गया काम। ये क्लोज करेंगे तब तक हम देख लेंगे। क्या है कि मैं ना कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे ना जिसकी थार में मुझे लग रहा है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में ना ये है हमारा डेड पेडल, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब ना आपको ऐसे ना इरिटेशन सी लगती है कि पाँव कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें। एक ये चीज आ गई जो चाहिए ही चाहिए, और एक ये ब्लैक कलर का जो हमारा पेट्रोल टैंक कवर है। हाँ। ये बहुत स्मार्ट लगता है ब्लैक कलर का। तो ये भी कर लेंगे, तो कुछ छोटी मोटी बेसिक मॉडिफिकेशन की जो बात है वो हम करेंगे, पर बाकी जैसे आप यहाँ देख रहे हो लाइट्स वाइट्स भी आई हुई है, तो आज तो क्या है कि लेट ही हो गए, वो हम जिप्सी देखने चलते हैं, है ना, बाकी का जो है वो हम आपको बता ही देते हैं क्या करना है कैसे करना है। अभी उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम ही हुआ है, बारिश से क्या है कि मौसम खराब है, तो इसकी वजह से उस पे जो रैप से पहले की कोट है वो पता नहीं चढ़ी है नहीं चढ़ी, अभी जाके एक बार स्टेटस देख लेते हैं गाड़ी का, बारिश ने काम खराब किया ना। बिल्कुल भाई,
बारिश ने काम खराब किया हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं। वैसे भी हमारा क्या है कि बहुत से मसले चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जिप्सी पे ही बैठे हुए हैं। जिप्सी नहीं तो थार, काफी सारे काम चल रहे हैं, पाइपलाइन में थार भी है, पाइपलाइन में जिप्सी भी है, बस बस। तो वो सब कुछ ही चल रहा है, वो सीन है। तो चलिए कुछ ना कुछ करते हैं। आज तो क्या बड़ा हौश पौश हो गया, लेकिन कल के दिन में आपको चीजें क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलो वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, यहाँ बहुत सी गाड़ी है, गाड़ियों के नंबर आपको दिखाने नहीं, हमने अपनी जिप्सी देखनी है, ठीक है। ये अल्टो देखो एक, और ये है गाइज अपनी जिप्सी। तो यहाँ आप देख सकते हो फेंडर इसके खुल गए, फेंडरों पे कुछ अलग कलर का रैप होगा। आप देख रहे हो फेंडर सारे खुले हुए हैं, पूरी बॉडी जो है इसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है पूरी बॉडी की, ठीक। ग्रिल व्रिल सब खुला हुआ है, बम्पर भी उतर गया। तो ये रहा जी हमारा बम्पर। बारिश ना होती तो अभी तक इसको हमने ना कर ही देना था सारा मसला क्लियर, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अच्छा सारा ही खुला है, सब खुला हुआ है, लाइटें वाइटें ये वो। ओहो ये रनिंग बोर्ड कहाँ वाले? अच्छा ये वाले, ठीक, क्योंकि ये टूट ही गया था ना, इसमें आगे कान भी लगते हैं। और ये पीछे का, अच्छा सारा ही खुला है पीछे का भी, ये बम्पर बम्पर। अच्छा ये भी खोल दिया बीच से, सारा का खोलने वाला दिखाने वाला था, ये खुला बड़ा मुश्किल से होगा। कब्जे कुब्जे पता नहीं कब के जाम है, और ये बेल्ट बुल्ट किया हुआ है, और क्या है कि इसको ना अंदर से भी करवा रहे हैं, पेंट जॉब हो रहा है। कि जब एक बारी गाड़ी खोल दी ना फिर बार बार नहीं होता, फिर उसके बाद क्या है जैसे हमारा सिर्फ ना सीट का काम रह जाएगा, बिकॉज अंदर से मेरे को कोई इसका इंटीरियर लग्जरी नहीं बनाना है, क्योंकि ये ना ऑफ रोड के पॉइंट से ही रहने वाली है। तो सीट्स हम बाद में चेंज कर लेंगे, बट लुक जो है इसका वो निकल के आ ही जाएगा, बाकी टायर वायर भी चेंज हो जाएंगे। तो बस इसी का स्टेटस देखने आगे थे, अभी निकलते हैं। चले फिर, चलो ये गाड़ी लेकर आना हुआ, फिर मैं सुबह लेट आऊंगा, उससे और लेट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ना यहीं छोड़ देते हैं, और अक्षय भैया मुझे जो है घर पे ड्रॉप कर देंगे। अभी क्या है ना, आज थार के लिए मैंने एक और चीज भी ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने ना इसका रेडिएटर का गार्ड ये लिया था, तो मैंने सोचा ये भी फिट। अब मुझे ये पता करना है कि ये लगाएं कि पूरी अंडर बॉडी लगाएं। अक्षय भैया सिर्फ रेडिएटर गार्ड लगाएं कि पूरी अंडर बॉडी लगाएं? यार करनी ऑफ रोडिंग है तो अंडर बॉडी बनती है, है? करनी ऑफ रोडिंग है ना, तो सिर्फ रेडिएटर गार्ड से नहीं बनेगी बात। रेडिएटर तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नीचे से भी गाड़ी बहुत ज्यादा बचती है। ये मैंने लेके रख तो लिया था, बट देखेंगे इसका भी अगर कुछ करना होगा, इसे भी गाड़ी में ही रहने देते हैं, अभी निकालने का कोई वो नहीं है। तो चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर, पहुंच नहीं चुके मतलब घर के रास्ते पे ही है। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, गाड़ी जो है मैंने वो अक्षय भैया के पास छोड़ दी, उन्होंने मुझे अभी ड्रॉप भी किया है। तो बस यही है, गाड़ी पे क्या काम हो रहा है कल आपको बताएंगे, और अभी मैंने उनसे डिस्कस भी करा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे 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 कर सकते हैं, और जिप्सी का भी मैंने आपको स्टेटस बता ही दिया है, बाकी जो भी है सीन्स वो आपको दिखाएंगे। तो दो तीन दिन से थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, जैसे आप रेगुलर चैनल देख रहे हो तो मॉडिफिकेशन का ऐसा नहीं होता कि एक बार सोचा तो धड़ाधड़ होती गई चीज़ें। बाकी ट्रिप भी बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो बस ट्रिप पे भी निकलेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखो, तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।